हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए नई वीडियो लाया हूँ मैथमेटिक्स से। जैसे कि हम अब एक ही टॉपिक के ऊपर सीरियल से जाएंगे, जैसे मैंने पहले अब इलेक्ट्रॉनिक में किरांस दूसर के बारे में बताया और इलेक्ट्रिकल में मशीन के बारे में, वैसे हम मैं मैथ में रियल नंबर के बारे में बताऊंगा। तो इसके हम सीरियल से वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि रियल नंबर की है, नियरली हर नंबर हमारा रियल नंबर है, जैसे कि होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। होल नंबर में जो हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, रेशनल नंबर 3/4, 0 जो डेसिमल में आया, इरेशनल हमारा जैसे पाई, √2, ये सब हमारे सारे रियल नंबर। लेकिन हमारे रियल नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों आते हैं, जो नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो या जीरो भी हो। लेकिन हमारा कौन अब रियल नंबर में नहीं आता है, मैंने जैसे बताया था नियरली हमारे सारे नंबर हमारे रियल नंबर है, लेकिन जो इमेजनरी नंबर है वो हमारे रियल नंबर में नहीं आते, जैसे √-1 या इन्फिनाइट नंबर, वो हमारे रियल नंबर के अंदर नहीं आता है। जैसे कि मैं इसमें आगे का इसका टॉपिक है यूक्लिडियन डिवीजन लेम्मा या मेथड, तो मैं आपको अगले वीडियो में मैथ में ये इसका डिवीजन सिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, हमें HCF निकालना पड़ता है यूक्लिडियन डिवीजन मेथड से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम HCF कैसे निकालते हैं EDL मेथड से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने छोटे भाइयों बहनों को ये वीडियो दिखा सकते हैं, जो 9 में 10 में, और अब तो वैसे भी ये हमारी ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो जो आपके भाई बहन दोस्त कोई भी हो जो क्लास 9 10 में है, ये ऐसे क्लास 10 का चैप्टर 1 का टॉपिक है, तो आप इसे आराम से दिखा सकते हैं, वो घर बैठे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद। हाय गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।